hello young viewers hello my dear scholars you are most welcome in Renu's channel nayab thoughts in english and today we are going to discuss class 9th english beehive poem second wind written by subramania bharti तो हमने एक्स्ट्रा इसके सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ बस आपको एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस और इसके अलावा जो है uh, आपका रहता है इसके कॉम्प्रीहशंस ओके इट विल सर्व द परपस ऑफ एम सी क्यू ऑल्सो ओके नाओ बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड आई वॉन्ट टू आस्क यू समिंग दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए आप कमेंट नहीं कर रहे हैं जिससे कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि uh, मेरी जो मटीरियल uh, है जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो किस तरह का है वो आपको समझ आ रहा है इजी है डिफ़िकल्ट है कैसा है या आपको अपनी एग्जामिनेशन के लिए और कौन सा मटीरियल की ज़रूरत है तो यू पीपल केन आस्क ओके नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर वन वट काइंड डिस्ट्रक्शन क्रिएटेड बाय द विंड हवा किस तरह का डिस्ट्रक्शन विनाश करती है द विंड हैज़ द क्वालिटी ऑफ वेवर्डनेस विंड के पास विशेषता है वेवर्डनेस का मीनिंग जहाँ उसका मन करता है जो उसका मन करता है वो करती है इट क्रिएट्स मैनी डिस्ट्रक्शंस ये बहुत सारे विनाश करती है द पोइट अन रिक्वेस्ट एट पोइट इससे प्रार्थना करता है बट इट डज नॉट हीयर लेकिन ये सुनती नहीं है इट ब्रेक्स द डोर एंड विंडोज ये तोड़ डालती है दरवाजों को और खिड़कियों को इट स्केटस द पेज एंड थ्रोज बुक फ्राम द शेल्फ यह पेजों को बिखेर देती है और किताबों को अलमारियों की शेल्फे से गिरा देती है द विंड कॉजस क्लाउड्स टू मेक हैवी रेन और हवा ही है जो कि बादलें बादल, बादल बनाती है जिससे भारी बारिश होती है इट बिकम्स फ्लड एंड कॉजेज ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी इससे बाढ़ आती है और बहुत सारी नुकसान होता है हमारी जिंदगी को और हमारी प्रॉपर्टी को विंड क्रिएट्स विंड जो है वो भय पैदा करती है कमजोर लोगों को एंड स्ट्रक्चर और बड़ी बड़ी इमारतों को इफ इट ब्लोज सॉफ्टली इट बिकम्स अ मैटर ऑफ रिलीफ एंड हैप्पीनेस अगर ये प्यार से बहे तो यह आराम का और खुशी का विषय है वेन इट बिकम्स वायलेंट और जब यह हिंसात्मक हो जाती है इट क्रिएट्स हार्म टू एवरीथिंग तब ये हर एक को नुकसान पहुँचाती है द स्मॉल फ्लेम्स ऑफ फायर आर ब्लोन आउट बाय द विंड और छोटी छोटी जो आग के लपटे होती हैं उसे विंड के द्वारा बुझा दिया जाता है द विंड गॉड डिस्ट्रॉयज वीक पीपल और पवन देवता विनाश कर देते हैं कमज़ोर लोगों का और चीज़ों का जैसे कि वो तिनकों को अनाज में से अलग कर देते हैं बाय विनोइंग ओके नाउ नंबर टू वट डज़ द पोइट्स नॉट वॉन्ट द विंड टू डू पोइट क्या नहीं चाहता कि हवा ये ना करे द पोइट रिक्वेस्ट द विंड टू कम सॉफ्टली पोइट प्रार्थना करता है हवा से कि वह प्यार से आए बिकॉज ही केयर्स दोज हु आर वीक क्योंकि पोइट को केयर uh, uh, है पोइट जो है वो uh, बहुत ही परवाह करता है उनकी जो कि कमज़ोर हैं बट द विंड पावर डज नॉट मेक एनी ही टू द पोइट्स रिक्वेस्ट लेकिन हवा जो कि एक ताकत है पोइट की प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं देती इट्स वॉल एंड फोर्स क्रिएट्स अ ग्रेट हार्म टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी और इसकी हिंसात्मक ताकत पैदा करती है बहुत नुकसान हमारी जिंदगी को और हमारी प्रॉपर्टी को द पॉइट डज नॉट वॉन्ट टू को द बिल्डिंग्स वो नहीं चाहता कि बिल्डिंग्स इमारतें गिरें टू ब्रेक द डोर्स ऑफ द हाउसेज़ घर के दरवाजे टूटें इट डज नॉट वॉन्ट द व टू मेक द वीक स्ट्रक्चर फॉल वो नहीं चाहता कि कमज़ोर इमारतों को हवा गिराए ही टेल्स इट नॉट टू स्कैटर द पेपर्स पैपट्स लिख दिए यह पेपर्स है और वह वह कहता है कि वह कागजों को ना बिखेरे एंड नॉट टू थ्रो द बुक्स फ्राम द शेल्फ और ना ही किताबों को अलमारियों से गिराए ही इज सैड पोइट दुखी है विन द विर द पेजस जब हवा पेजिस को फाड़ देती है इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स यह समस्याएँ उत्पन्न करती है ही एक्सपेक्ट्स द वि टू हेल्प द वीक वो उम्मीद करता है कि हवा सहायता करें कमजोरों की एंड दोज आर अनेबल और उनकी जो कि असमर्थ हैं नंबर थ्री वाई शुड वी मेक फ्रेंड्स विद द विंड हमें हवा से दोस्ती क्यों करनी चाहिए वी शुड मेक फ्रेंड्स विद द विंड हमें हवा से दोस्ती करनी चाहिए इट इज़ अ सिंबल ऑफ पावर ऑफ नेचर ये प्रकृति की ताकत का एक चिन्ह है दोज हु आर वीक इज आउटविटेड बाय द विंड जो वो लोग जो कमज़ोर हैं हवा उन्हें अपने बुद्धि बल से हराती है ओनली दोज हु आर स्ट्रॉग एंड पावरफुल द विन मेक्स एम फ्रेंड और वही लोग जो कि ताकतवर हैं मजबूत हैं हवा उन्हें अपना मित्र बनाती है द वि टीचीजॉज दैट वी शुड बी फॉर्म एंड डिटरमिंड हवा हमें सिखाती है कि हमें ताकतवर होना चाहिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए मजबूत होना चाहिए इट वॉन्ट्स अस दैट वी शुड बी स्ट्रांग वे चाहती है कि हम भी मजबूत बने एक्चुअली स्ट्रांग विंड एंड हार्ट आर एबल टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ ताकतवर दिमाग और दिल समर्थ होते हैं ज़िंदगी की चुनौती को फेस करने के लिए वी कैन बी लवेबल टू विन हम हवा के प्यारे हो सकते हैं बाय मेकिंग अस्ट्रॉग होम्स एंड डोर्स अगर हम मजबूत घर और दरवाजे बनाएं वी कैन ऑल्सो विन इट्स फेवर हम इसका इस हम इस हम इसका फेवर भी जीत सकते हैं बाय मेकिंग आवर बॉडी एंड हार्ट फास्ट अपने शरीर और दिल को मजबूत रखकर स्थिर रखकर हम इसका प्यार भी पा सकते हैं वॉट इज़ द मैसेज गिवन बाय द पोम विंड विंड के जरिए पोइट क्या संदेश देना चाहता है द पोम विंड डिस्प्ले अ ग्रेट मैसेज पोम विंड एक बहुत ही बड़ा मैसेज शो करती है द पोइट सेज दैट वी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एट हार्ट वे पोइट कहता है कि हमें मन से और दिमाग से बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होना चाहिए मजबूत होना चाहिए अदरवाइज वी विल फेस डू मैट एवरी स्टेप नहीं तो हम हर कदम पर पतन का सामना करेंगे द विंड सिम्बोलाइज डिफ़िकल्टीज हवा चिन्ह है परेशानियों का और दिक्कतों का इट हैज़ द पावर टू डिस्ट्रॉय आवर लाइफ इसके अंदर ताकत है ये हमारी ज़िंदगी को तबाह कर सकती है वी शुड नॉट लेट इट डिस्ट्रॉय आवर लाइफ्स हमें इसे अपनी ज़िंदगी को तबाह नहीं करने देना चाहिए इट इज़ ट्रू डिफिकल्टीज ब्रेक यूश एंड एवरी थिंग ये सच है कि परेशानियाँ हर चीज़ हर एक चीज को हर एक को हर चीज़ को तोड़ देती हैं बट इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग और यदि हम मजबूत हैं नो वन कैन स्नेच आवर ट्रेजर हमारा खजाना कोई नहीं लूट सकता छीन सकता वी कैन फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ हम जिंदगी की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं वी शुड स्ट्रगल हार्ड हम संघर्ष कर सकते हैं सो दैट वी कैन बी जस्ट लाइक अ रॉक और इससे हम एक इस्पात चट्टान की तरह मजबूत हो सकती हैं वी शुड मेक आवर हार्ट एंड माइंड स्ट्रॉन्ग एंड फॉर्म हमें अपने दिल और दिमाग को मजबूत और सख्त बनाना चाहिए इन दिस वे वी कैन क्रॉस एनी प्रॉब्लम एंड बी विनर और इस तरह से हम कोई भी समस्या को पार कर सकते हैं और विजेता बन सकते हैं नंबर फाइव वॉट आर द मॉरल वैल्यूज टॉट बाय द पोएट इन द पोम विंड कौन सी मॉरल वैल्यूज़ है कौन सी नैतिक शिक्षाएं हैं जो कि पोइट विंड पोम के जरिए हमें देता है द पोम विंड इज कम्पोज बाय सुब्रमण्य भारती ये पोम जो विंड है ये रचना की गई है सुब्रमण्य भारती के द्वारा जो कि एक तमिल राइटर हैं इट गिव्स अ मॉरल वैल्यूज़ टू अस ये हमें नैतिक शिक्षा देती है वी मस्ट बी मेंटली एंड फिजिकली टफ हमें मानसिक शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए इफ़ वी वॉन्ट टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड फुल ऑफ हार्डशिप्स एंड चैलेंजेस अगर हम जीना चाहते हैं इन दिक्कत परेशानियों चुनौतियों के संसार में तो हमें ट्रफ एंड टफ होना चाहिए वी शुड बीन हमें दृढ़ होना चाहिए वी शुड फेस हार्ट हमें समस्याओं का सामना करना चाहिए मजबूत और स्थिर दिल के साथ इफ अ पर्सन इज वीक अगर एक व्यक्ति कमजोर है द डिफिकल्टीज विल क्रश परेशानियाँ उसे कुचल देंगी जस्ट एज अ वीक बिल्डिंग्स जैसे कि एक कमजोर बिल्डिंग और घर को क्रम्बल डाउन इन द हार्श और एक कमज़ोर बिल्डिंग कमज़ोर इमारत और एक घर गिर जाता है तेज़ हवा और तूफान में देयर फॉर स्ट्रॉन्ग फोर्सेज विल बी फ्रेंड और अतः ये मजबूत ताकतें हमारी मित्र होंगी एंड आवर कंपेनियन और हमारी दोस्त होंगी वी शुड नेवर गिव अप इन द टाइम ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड एडवर्सिटी हमें छोड़ना नहीं चाहिए परेशानियों और उल्ट विपरीत समय के समय हमें अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ना चाहिए इन स्टेड वी शुड मेक फ्रेंड्स विद देम बजाय इसके हमें इनके साथ मित्रता कर लेनी चाहिए नंबर मोस्ट टेंट क्वेश्चन जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोम विंड आपको विंड का टाइटल बताना है ये अप्रोप्रिएट है या नहीं द पोम विंड इज़ कम्पोज बाय सुब्रमण्य भारती विंड पोम की रचना सुब्रमण्य भारती ने की है विंड इज़ द नेचुरल फिनोमिना विंड एक प्राकृतिक प्रक्रिया है इट कैन बी गुड एंड इविल। ये अच्छी भी होती है और दुष्ट भी होती है यू कैन से इट इज़ डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव आप कह सकते हैं ये विनाशकारी भी है और ये बनाती भी है ये रचना भी करती है द पोइट शोज डिफरेंट फेसिस ऑफ द विंड पोइट दिखाता है अलग अलग चेहरे हवा के इन द बिगनिंग इट एक्ट्स लाइक अ मिशीवियस चाइल्ड बिल्कुल पोम के शुरू में ये एक शरारती बच्चे जैसी होती है इट डज़ वॉट इट बॉन्ड्स ये वही करती है जो ये चाहती है देन इट शोज एंगल्स लाइक यूथ शोज पावर एंड ब्लोज आउट वीक और तब ये फिर दिखाती है अपना गुस्सा जैसे कि युवा व्यक्ति ताकत में दिखाता है और कमज़ोरों को गिरा डालता है एंड इन द एंड और अंत में इट एक्ट्स लाइक फ्रेंड ये एक मित्र की तरह काम करती है विंड इज सपोज टू बी गॉड विंड को हम भगवान भी मानते द द द हैज़ विंड विंड इन पोम ने wind का चित्रण बहुत ही सुंदर किया है पोम में वी गेट द होल पर्सनैलिटी ऑफ द विंड हमें इसमें विंड की पूरा व्यक्तित्व मिलता है दस द टाइटल इज अप्रोप्रिएट और कह सकते हैं टाइटल बिल्कुल अप्रोप्रिएट है ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल सब्सक्राइबिंग मी सपोर्टिंग मी एंड कॉपरेटिंग मी एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल माई व्यूवर्स एंड स्कॉलर्स एंड ऑल्सो यूट्यूब ऑल्सो और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे चैनल को थोड़ा सा बकअप कीजिए इनक्रेज कीजिए और नेक्स्ट वीडियो हम इसी पोम का एम सी क्यू लेकर के आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय डियर फ्रेंड्स